चलिए, हाँ, मैं डॉक्टर बालूसाहब प्रसाद आपके साथ प्रतिदिन लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। नया कानून जो पुराना कानून अंग्रेजों का जो हटा दिया कर प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, पूरे केंद्र सरकार कई लोगों के द्वारा मिलकर 4 सालों की मेहनत करके जो नया कानून बनाया गया है, ये कानून जो है ये जस्टिस है। पहले इंडियन पेनल कोड था, अभी लागू नहीं हुआ है नया कानून जो पढ़ाते हैं, यानी कि पहले पेनल सब जुड़ा है लेकिन नए कानून में जुड़ा है जस्टिस। अब मिलेगा भारत में नए नियमों के अनुसार जस्टिस मिलेगा, ऐसा पैनिक नहीं मिलेगा। जो जितना जो अपराध करते हैं करेंगे, ये अपराध के जो प्रमाणिकता आएगी ट्रायल केसेज में, उतना ही उनको जस्टिस के तहत उनको सजा देने का प्रावधान है। आज का विषय, हम सीधा अब तक हमने चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक कोशिश किया आपको बताने के लिए। हमारा प्राथमिकता पहला है, 1 महीने का ये कोर्स है मेरा जो लगातार चल रहा है अभी, जो अब जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का, हम सीधा आते हैं अध्याय ये 7 पर। देखते हैं कि ये लिखा हुआ चैप्टर 7, ये चैप्टर 7 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबकी निगाहें इस पर, तो इसमें कई खंड है। अगर चैप्टर 7 में हम आपको नॉलेज देना चाहेंगे कि इसमें सेक्शन 100 से शुरू होता है और सेक्शन 146 तक इसके भीतर है। कितना सेक्शन है, कोई सवाल पूछ सकता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में अध्याय जो 7 में जो हत्या है, मर्डर है, उसका सेक्शन उस चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक है, तो आप उसका उत्तर देंगे कि भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में जो 100 सेक्शन से लेकर 146 सेक्शन तक इसमें नया कानून बनाया गया है, 46 धाराओं को बताना है। हमने इसको पार्ट पार्ट करके हमने तैयारी किया है आपके साथ, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे पढ़ाने का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम भी भारत सरकार के द्वारा जो नया कानून हर के निगाह में सभी राज्यों में हर की इच्छा क्या है, कानून क्या बदला है, तो हमने भी इसमें सहभागिता फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लालच नहीं, अपना मोबाइल, अपने नेट, अपने सब कुछ से बिल्कुल जनहित में ये यूट्यूब पर, लोक स्मार्ट न्यूज यूट्यूब और फेसबुक पेज पर हम डालते हैं कि कोई भी भारतवर्ष का या विश्व का कोई भी व्यक्ति हिंदी सरल भाषा में अगर वीडियो खोल देगा तो एक एक कानून जो हम बताएंगे, जो अभी चल रहा कोर्स हमारा 1 महीने का भारतीय न्याय जो संहिता है उसको आप विषय समझ सकेंगे सेक्शन बाई। हम पिछले बार भी हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारी कोशिश रहेगी कि बताने के क्रम में, समझाने के क्रम में, अब चूंकि गंभीरता से आगे जैसे जैसे बढ़े हैं तो गंभीर आरोप जो सेंसेशनल दिमाग में होता है कि अब क्या होगा, अब हम तुलनात्मक तरीके से भी बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे धाराओं में सजा क्या है, क्या सजा जमानतीय है या अजमानतीय है, इसका कौन सा कोर्ट इसका ट्रायल करेंगे, हमारे एक एक बिंदु पर थोड़ा सा विस्तार करेंगे। एंजॉय अस स्टार्ट, आइए मेरे साथ। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 का, भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 7 में आते हैं सीधा। आज हम आपको केवल पढ़ाएंगे मर्डर हत्या या से मॉब लिंचिंग सुने थे कि कई लोग मिल करके, आप देखते होंगे कि कहीं चोर पकड़ा जाता है, डकैत पकड़ा जाते हैं रोड पर, अपराध करने के क्रम में काफी भीड़ जुट जाती है और भीड़ वाले लोग 4 या 5 से अधिक संख्या में लोग उसको मारते मारते उसको जान से मार देते हैं। नया प्रावधान के अनुसार
जिसको मॉब लिंचिंग कहता है, इसमें बहुत कड़ा इसमें सजा कर दिया गया है। जो पुराने आईपीसी में इस तरह की बातें नहीं थी, नए कानून में ये बिल्कुल परिवर्तित। आप इस चैप्टर, इस वीडियो को लगातार जो अभी जो वीडियो बताने जा रहे हैं, ये 100 से कम ये जब तक कोर्स हमारा 146 तक चलता रहेगा, प्लीज सभी वीडियो को एक बार ध्यान से दो बार देखेंगे, कानून आपके दिमाग पर चढ़ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम केवल पढ़ाएंगे आपको आज हत्या मर्डर से रिलेटेड मामला, जो सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 13, यानी हम 13 धाराओं पर हम आज फोकस डालेंगे। एक एक सेक्शन पर हमारी कोशिश रहेगी आपको समझाने के लिए कि एक एक सेक्शन समझते जाएंगे। 13 सेक्शनों का मेरा क्लास है, 100 से लेकर और 100 आपको ये 113 तक हम चाहेंगे कभी इसको मिटा देते हैं, ताकि समझने में आपको इजी होगा। और जो अब आपके दिमाग में उठता होगा कि हत्या के हत्या कैसे हत्या होता है, इसका एक हत्या होता है कि किसी की नियत नहीं होती है, आप देखे होंगे, फिर भी हत्या हो जाता है। तो जो 100 नया कानून जो बना है 100 से 113 तक, उसमें पार्ट 1 करके जो दिया गया है, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको समझाने की, और हमको पूरा उम्मीद है कि हमारी सरल भाषाओं में हिंदी में आप कोशिश करेंगे। हालांकि हमने ये भी एक लिया है आज से क्लासेज में कि हिंदी को हम रूपांतरित थोड़ा सा इंग्लिश में भी कर देंगे, तो दोनों चीज़ों को कंपेरेटिव पढ़ेंगे तो अंग्रेजी वालों को भी इजी रहेगा, क्योंकि हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है और इंग्लिश भी, लेकिन दोनों को हम बराबर लेके चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हम सीधा आप जो हम चलते हैं जो चैप्टर जो ये भारतीय न्याय संहिता 2023 है, हम सीधा चलते हैं ये सेक्शन, एक एक सेक्शन क्या बताएंगे, 88 सेक्शन 88 नहीं सेक्शन 88 एक हम पहले आपको सेक्शन 100 सेक्शन 100 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 100, ये 100 क्या है, हम आपको एक एक चीजों को बारीकी से बताते हैं। प्लीज फॉलो इट, अगर आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम कि 100 तो धारा 100 है, एक्चुअल इसको हिंदी में कहते हैं आपराधिक मानव बध, जो मानव को बध कर दिया जाता है। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कि कल्पेबल द होमिसाइड, स्पष्ट हो गया होगा, आपराधिक मानव बध और कल्पेबल होमोसाइड। हम चाहेंगे कि अगर, हालांकि लिखा हुआ इसको कह भी सकते हैं कि समझने के लिए कि आप आपराधिक मानव बध। चलिए शुरुआत करते हैं कि ये 100 जो सेक्शन है, ये आपराधिक मानव बध, जो कोई मृत्यु कारित करने से आशय से इंटेंशन से किसी को ऐसी शारीरिक क्षति माने उसके बॉडी को नुकसान करके नियत पूर्ण ढंग से ऐसा अपराध करता है कि उसकी मृत्यु निश्चित हो जाए, यह ज्ञान रखते हुए यह संभव है कि यह उस कार्य से मृत्यु इसकी कंफर्म कारित करे, जो कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है यह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। ये 100 की परिभाषा है। इसका थोड़ा सा अगर इंग्लिश में भी हम समझाने का प्रयास करेंगे तो उसको बोलते हैं द कल्पेबल होमसाइट, द हूएवर द कॉजेज द डेथ बाय द डूइंग द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ द कॉजिंग द डेथ और द विद द इंटेंशन ऑफ द कॉजिंग सच द बैडली इंजूरी एज द लाइकली टू कॉज द डेथ और विद द नॉलेज दैट इट इज द लाइकली बाई द सच एक्ट एज द कॉज द डेथ कॉमन द ऑफेंसेज ऑफ द कल्पेबल होमसाइट। मैंने बताया दोनों रूपांतरित करके। अब हम चलते हैं कि 100 पर, कि ये जो बताया बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप समझ गए होंगे कि ये अगर इसको हम ये भी बताते चलते हैं, अगर पुराने अगर नियमों पर चलते आईपीसी में, अगर आप चाहेंगे कि जो ये पुराना जो ये जो था 100, अगर इसको ओल्ड हम आईपीसी में चलते हैं
ये ओल्ड आईपीसी का सेक्शन यह प्रोवाइड करता है 299 पर। यहाँ दोनों भाषा को मैंने आपसे कहा था दोनों भाषा लेके चलेंगे। अगर 299 अगर ओल्ड जो आईपीसी में सेक्शन है उसका मॉडिफाइड करके ये भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन कर दिया गया 100 यानी तुलनात्मक, ओल्ड में 299 जो हमने डेफिनेशन पढ़ा अभी, ओल्ड में 299 और नए में है 100। ये है जो आपकी इसकी परिभाषा हुई। अब ये भी ये स्पष्ट हो गए होंगे कि ओल्ड में आईपीसी में 299 और न्याय संहिता में चलते हैं अगर भारतीय न्याय संहिता में 100 ये सेक्शन ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं कि इसके बाद 100 में चलते हैं, अब आते हैं 100.01। अब नेक्स्ट भी आप लगता है कि अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप। एक एक सेक्शन करके हम चाहेंगे कि आपको बताने का हम प्रयास करेंगे ये। अब आप समझ गया, अब तक आप समझ गए होंगे कि 100 सेक्शन क्या है। ये कल्पेबल होमिसाइडल या इसको आप मानवबद्ध कह सकते हैं, ये परिभाषा कह सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने बताया। केवल हम आज सिंपली थोड़ा रुक रुक के पढ़ाएंगे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि कई चीज़ों के हम बताना है, ओल्ड सेक्शन के बारे में बताना है और नेक्स्ट सेक्शनों पर भी हम कोशिश करेंगे कि कंपैरेटिव तुलनात्मक तरीका से करते हैं। अब आइए, मैंने 100 बताया, अब हम आते हैं 101। हम कोशिश करते हैं कि अगर दो दो धाराओं के लेके चलेंगे तो जल्दी समय कम लगेगा, नहीं तो चलिए हम 100 बताया, हम लेते हैं आपको 101 और 102 और 103 न्यू सेक्शन, माने कि इसको हम लेके चलेंगे तब आप समझ सकते हैं। 101, 102, 103 अगर आप चलते हैं कि अगर 101 को अगर ओल्ड सेक्शन में चलते हैं, इसको अगर इसको लाते हैं, ये इसमें हुआ और ये हुआ इसमें, इस अगर ओल्ड में हम आते हैं, ओल्ड आईपीसी में आते हैं, यही 101 हो जाएगा। 302 आईपीसी और उसके बाद हम चलते हैं अगर ये 301 यानी कि इसमें चलते हैं तो ये हो जाएगा 301 आईपीसी में आएगा। और तीसरा अगर हम चलते हैं अगर 103 में तो आपको ये 302 यानी कि आईपीसी में चलते हैं तो ये इसमें 302 आईपीसी में दंड जो है आपको ये ओल्ड का हो गया। और इसमें टू पार्ट है, क्लॉज 1 क्लॉज 2। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमने 101, 102, 103 पढ़ाया इसका ओल्ड सेक्शन ये 302 सेक्शन तुलनात्मक में, 102 का तुलनात्मक हो गया 301 301 आईपीसी और इसका हो गया आपका 302 आईपीसी। 103 वाले में इसका क्लॉज 1, 2 है। अब आपको हम बताते हैं क्लियर कट करके, तीन सेक्शन लेके चलेंगे तो जल्दी इसमें समय भी नहीं लगेगा, समझ भी जाएंगे सिंपल भाषा में। 101 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये 101 है कि इसके पश्चात अपवादी दशाओं को छोड़कर अपराधिक मानवबद्ध हत्या है ये, यानी प्योर द मर्डर, यानी कि ये 302 का ये हत्या का डेफिनेशन है। 301 जो है, जो 300 है ये 101 हो गया, 101 हत्या, यानी कि इसको अब ऐसे समझ सकते हैं आप, 101 इसको हत्या सीधे लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि हम चलते हैं कि 101 इसमें हत्या, इसको मर्डर बोलते हैं, कि इसमें पश्चात अपवादी दशाओं को छोड़कर अपराधिक मानवबद्ध हत्या होता है। अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में अगर चाहेंगे तो इसको हम मर्डर लिख सकते हैं, ऐसा क्लियर समझ सकते हैं आपको, ये मर्डर या हत्या। ओल्ड सेक्शन आईपीसी इधर है और न्यू सेक्शन आपको इधर है।
अब हम चलते हैं कि ये 101 सीधा आप समझ सकते हैं कि हत्या क्या है। तो हत्या जो पहले जो था ये नए सेक्शन में 100 101 102 तक कि आपको पुराने सेक्शनों में आईपीसी में चलते हैं तो 299 300 और 301 आईपीसी कर सकते हैं। अब सीधा आप मतलब रखिए कि 103 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 103 से ही मतलब है कि यानी कि जो भी एफआईआर जो दर्ज होता है थाने में, हम यहाँ बताते चलते हैं कि जो भी एफआईआर जो दर्ज होगा वो एफआईआर जो दर्ज होता है जो जिसमें दंड पनिशमेंट जिसमें होता है उसी में ही आपको ये एफआईआर होता है यानी दंड दंड चूंकि ये दंड वाला जो विषय है। तो यानी कि हम सीधा चलते हैं, हमने बताया 100 101, अब हम सीधा पहले बता दें कि 102 102 नया कानून क्या है। तो नया कानून कहता है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय या उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके अपराधिक मानव व्रत करता है तो ये 102 का दोषी होगा। यानी कि इसमें सीधा जो पनिशमेंट जो होगा उसमें सीधा आपको समझ सकते हैं कि फांसी तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा इसको भाषा के डेफिनेशन समझ लिए, द कल्पेबल द होमिसाइड बाय द कॉजिंग डेथ ऑफ द पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ बाय द इंटेंडेंट। अब लेकिन अब चलिए आप सीधे हम आपको 103 पर लाते हैं, नया सेक्शन 103 से आप क्लियर होंगे कि जो 103 जो यहाँ लिखा हुआ है मेन सेक्शन 103 को आपको समझना आवश्यक होगा। एक्चुअल यही इसी पर एफआईआर का सेक्शन धारा बैठेगा और आपके ये अब पुराने सेक्शन में चलते हैं आईपीसी में 302 आईपीसी का सीधा पुराना तुलनात्मक करते हैं तो पुराना आईपीसी 302 और नया में है 103 में मर्डर केस का दंड पार्ट वन पार्ट टू है जो हम समझाते हैं आपको। आप यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि हत्या के लिए जो कोई सीधा मर्डर करेगा सीधा गोली मार करके काट करके किसी तरह के डायरेक्ट शॉट करता है इंटेंशनली, आप समझ सकते हैं कि ये आपको सीधा हत्या का इस पर जो मुकदमा जो पहले जो इसके पहले जो 302 में जो एफआईआर जो दर्ज होता था आईपीसी में अब दर्ज होगा 103 नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत 103 धारा में मुकदमा दर्ज होगा। इसमें दो पार्ट है, यही जो हम समझाने जा रहे थे जो जो लेटेस्ट जिस पर सरकार काफी गंभीरता से ली है, हम पहले इसको हम चाहेंगे कि यहाँ थोड़ा समझाने प्रयास करेंगे। अगर आप 103 धारा समझ गए तो हमको लगता नहीं कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति आपा खोर करके जो गलतियां कर देते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत से जो चोरी करके भागते हैं, डकैती करके भागता है, लूट करके भागता है, रेप करके भागता है, किसी क्राइम में भागता है तो उसे भगदड़ भीड़ उसको रोक लेती है, उसको 4 से 5 से संख्या का अधिक लोग मिल करके उसको इतना मार मारता है कि उसकी मौत तक हो जाती है। इस सेक्शन को नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2003 में अच्छी तरह से इसको समझा दिया गया है और इसको जनहित में और इस सेक्शन के बारे में अब भारतीयों को सभी को कूट कूट कर जानकारी होना चाहिए कि अब आप गलती दोबारा करते हैं कानून अगर आप हाथ में लेते हैं तो सोच सकते हैं कि जो ऐसे जो मिलकर लोग मार देते हैं किसी व्यक्ति को जो कानून जिसको के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो लोग खुद कानून हाथ में लेते हैं उसके सजा सुनकर आपको कलेजा कांप जाएगा। इसलिए अब सुधरने की आवश्यकता है। हम सीधा चलते नए कानून पर आते हैं 103 पर आते हैं। ये 103 में कोई दो मत नहीं है, अब तो समझ गएंगे 103 का जो दंड है यह सीधा हत्या किसी की हत्या कर देते इंटेंशनली वो सीधा जो एफआईआर होगा अब 103 में होगा। इसका जो सजा है सीधा इसका सजा है आपको फांसी भी हो सकता है, उसको फांसी भी होगा और आजीवन कारावास भी होगा और उसको फाइन भी होगा। ये सेशन कोर्ट इसको देखेगा, सेशन कोर्ट अजमानतीय है, इसमें कोई छूट नहीं है, इसको विधिवत ट्रायल होगा। इसको सजा है 103 जो पुराना आईपीसी में 302 था।
अब इसमें जो एफआईआर दर्ज होगा नए में 103 आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में, उसको सीधा फांसी की सजा है, प्रावधान है, आजीवन कारावास है, और इसमें फाइन का ये क्लॉज वन हो गया, और क्लॉज वन बिल्कुल आप यहां समझ चुके होंगे। अब इसी का हम बताते हैं, जो मैंने बताया अभी मॉब लिंचिंग पर, जो मॉब लिंचिंग जो बात आई, इसी सेक्शन 103 को जो एक 100 जो तीन मैंने बताया अभी आपको, ये सीधा समझ सकते हैं कि 103 ये क्लॉज 2 का जो एफआईआर अब दर्ज होगा, किस पर एफआईआर दर्ज होगा? दर्ज होगा जैसे बहुत से लोग मिल करके किसी को चोर चोर कह करके, मॉब लिंचिंग जिसको कहा जाता है, लोग उसको लेके जान से मारते मारते इतना उसको करते हैं कि इसको लोग उसको जान से मार देते हैं। यानी कि ऐसे अपराध में कोई भी अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तित्व, विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर किसी की हत्या करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य वो मृत्यु और आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा। इसको आप अंग्रेजी में भी हम थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, ये 103 नया कानून का 2 बॉमलिंग ही कह सकते हैं। उसका कहते हैं कि वेन द ग्रुप ऑफ द 5 एंड मोर द पर्सन्स एक्टिंग इन इन द कंसर्ट कमिट्स द मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, कास्ट और द कम्युनिटी एंड द सेक्स, द प्लेसेस ऑफ द वर्क एंड लैंग्वेज, द पर्सनल्स, द बिलीफ ऑफ द एनी अदर द सिमिलर द ग्राउंड, ईच द मेंबर्स ऑफ द सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विथ द डेथ और द विथ इम्प्रेजमेंट फॉर द लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी द फाइन। यानी सोच सकते हैं कि अगर अब आप जो कानून लागू होगा, अगर 5 से अधिक मिलकर समूह मिलकर किसी का मार देते हैं, छोर समझ करके, कुछ भी समझ करके, वो जो एफआईआर होगा, वो एफआईआर होगा 103 नए कानून में क्लॉज 2 में केस होगा, और इसका सीधा इसका आपको सजा है आजीवन कारावास। एक एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त होंगे, कॉमन इंटेंशन जो पुराना आपको नियम याद होगा 34 वाला पुराना ओल्ड आईपीसी में, ये बिल्कुल आजीवन इसमें कारावास होगा, और ये सेशन इसके केस को देखेगा, कोई मर्सी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। यानी कि सेक्शन आप समझ गए होंगे, 103 क्लॉज 1 हो गया सीधा, हत्या, मर्डर, फांसी, आजीवन कारावास, फाइन के साथ सेशन कोर्ट, अजमानतीय। और दूसरा इसी का सेक्शन 2 जो है 103 का, मॉब लिंचिंग मिलकर, मॉब 4 ग्रुप से अधिक, लिंग, धार्मिक, कई चीजों से मिलकर जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे कल की घटना भी एक उदाहरण के तौर पर, यह उत्तराखंड में जो यूसीसी जहां लागू हुआ है, वहां पर आपने देखा होगा कि जो नया किसी कारण को लेकर कई लोग मिलकर के कई घटनाएं की है, कुछ लोगों के मरने के बात आई है, मिलकर लोग मारते हैं। यही कैटेगरीज ये आप देखते हैं, मोटरसाइकिल छीन कर भागता है, बैंक से लूट करके अपराधी भागते हैं, या ऐसा कुछ मोबाइल चोरी करता है बाजार में, या ट्रेन में की घटना करता है, प्लेटफॉर्म पर चोर जो पकड़ा जाते हैं उसको लोग इतना मारते हैं, मारते मारते उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसे कानून में जो कानून जो पहले अब हाथ मिलेगा नया कानून में, उसका सजा है सीधा एक एक व्यक्ति पर, जो सीसीटीवी कैमरा से डिटेक्शन होने पर सभी को होगा ये आजीवन कारावास। ये जो 103 क्लास 2 में भारतीय न्याय संहिता 2023 का खूबसूरती, अब कानून अब चलेगा राज, भारत का चलेगा राजपाट। अब कोई भी कानून अगर हाथ में लेता है, तो हमने समझाने का प्रयास किया और समझ सकते हैं कि आपको अब ऐसी गलतियां करने पर आपको इसमें चेंजिंग, जो मॉब लिंचिंग का अलग सेक्शन कर दिया गया, समूह के रूप में जो लिंग, भेद, धर्म से लेकर के जो मारेंगे, हत्या की कैटेगरी में हत्या, उसी सेक्शन में 301 का पार्ट 2 में केस होगा। अब तक हम उम्मीद करते हैं कि केसन इस सेशन ट्रायल होगा, और कुछ तरीके का स्पीडी ट्रायल जैसा ही अब तो मुकदमा नया, जब सीआरपीसी पढ़ाएंगे तब आप समझेंगे,
यानी कि आपको कहीं जगह नहीं, इसलिए अब सुधर जाना होगा नए कानून के तहत, खूबसूरत कानून। और फिर हम आगे चलते हैं, अब सीधा हम आते हैं कि 104 हंड्रेड, ये 104 नया सेक्शन 103 तक क्लियर हो गया, 100, 101, 102, 103, अब हम आते हैं 104 जो ये सेक्शन जो है नए कानून में, 104 कहता है कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के दंड जो कोई आजीवन कारावास के दंडावेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वो मृत्यु या आजीवन कारावास व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा, से दंडित किया जाएगा। इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे हम कि 104 इज द पनिशमेंट फॉर द मर्डर बाय द लाइफ द कॉन्विक्ट, तो हूएवर द बीइंग द अंडर द सेंटेंसेस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ द कमिट्स द मर्डर द शैल बी पनिश्ड विद द डेथ ऑफ द विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ विच शैल द मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट द पर्सन द नेचुरल लाइफ, यानी कि जो भी ऐसे जिसको सजा मिल चुका हो न्यायालय से, अब ऐसे समझ सकते हैं आप, जिसको सजा सिद्ध दोष कह सकते हैं हिंदी में, सिद्ध दोष कह सकते हैं, या कन्विक्ट, या इसको जो सजा मिल चुका है ऐसे जेल के भीतर इनको सजा होता है, या पेरोल पर बाहर आते हैं, बाहर छूट के आते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, उनको सिद्ध दोष है। अगर वे व्यक्ति ऐसे जो जेल से बाहर आते हैं और किसी कारण आपा खोकर, बैलेंस खोकर किसी की हत्या कर देते हैं, वैसे के स्पेशल सेक्शन बना है 104 भारतीय न्याय संहिता 2023 का, यानी सजाए अफ्तों के लिए स्पेशल है, उसको इसमें सीधा आजीवन कारावास से दंड है, कोई इसमें छूट नहीं है। यानी कि जब खुद कानून की सजा है, अगर वो गलती करता है किसी तरह इसमें रियायत की बात नहीं है। यानी अब तक हमने से बताया 100, 101, 102, 103 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, और हमने बताया 104। अब हम चलते हैं, हम चाहते हैं कि छोटा छोटा वीडियोज हम बना के पोस्ट करेंगे तब समझ सकेंगे, हम कोशिश करेंगे, देखें जहाँ तक लेंथ हमको लगे फील होगा कि यहाँ तक बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अब हम सीधा चलते हैं, उतना ही हम पढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा साल भर का कोर्स है, पूरा दिसंबर तक हमारा कोशिश है कि पुराना इंडियन पेनल कोड, नया भारतीय न्याय ये संहिता, और जो CRPC पुराना था वो जो नया कानून बना वो एविडेंस एक्ट को, हम पूरा दिसंबर तक इस लागू होने के पहले हमारे सारे वीडियो पोस्ट हो चुका होगा, आप वीडियो से लेकर के कंपेरेटिव करेंगे, बहुत सरलतम होगा फिर समझने में, समझाने में, या किसी भी पेशा से वो पुलिसिंग करता हो, वकील साहब करते हो, हर को ये फायदा करेगा हमारा वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, भी हमने सेक्शन बताया अब तक आपको, ये सेक्शन मैंने बताया कि 104 ये आजीवन, ये 104 तक। अब हम आते हैं कि 105, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्रैक्ट, ये 100, अब हम आते हैं 105। 105 में बताना चाहेंगे आपको कि 105 सेक्शन क्या है, ये 105 सेक्शन को आप ऐसे जोड़ सकते हैं, अगर ओल्ड IPC में आप सरलतम के लिए आप ये ओल्ड जो यानी ओल्ड जो IPC है भी, ये IPC 304 का है, 304 का ही दोनों का तुलनात्मक है, ओल्ड में 304 है, नए में 105 भारतीय न्याय संहिता का है। ये सेक्शन क्या है, ये कहते हैं हत्या के कोटि में न आने वाले अपराधिक मानव वध के लिए दंड, इंग्लिश में कह सकते हैं पनिशमेंट फॉर द कल्पेबल द होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर। कैसे ये क्लियरेंस होगा आपको कि जो कोई ऐसा अपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता हो, आजीवन कारावास से या दोनों में से भांति कारावास से जिसकी अवधि
पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने के लिए विदाई होगा। यदि एक कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिसे मृत्यु होना संभव है कारित करने के आशय से, अगर किया शारीरिक क्षति या मृत्यु कारित करना संभव है कारित करने के लिए आशय के बिना किया हुआ, दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक 2 वर्ष तक हो सके, जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बताना चाहेंगे तो पनिशमेंट फॉर द कल्पेबल द होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाएंगे, इंग्लिश में समझ सकते हैं। हूएवर द कमिट द कल्पेबल द होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर शैल बी पनिश्ड विद द इंप्रिजनमेंट फॉर द लाइफ एंड इंप्रिजनमेंट of the either the description or for the term which shall not be the less than the 5 years but which it may extend into the 10 years and shall also be liable to fine if the acts by the which the death is the cause to is the done with the intention of the causing the death and or the causing such the badly the injury as the likely to cause the death or with the imprisonment and either the description for the term which may extend for the 10 years and with the fine if the act is done with the knowledge that it is likely to cause the death but without any intention to cause death and to cause such the badly injury it is likely to cause death yani ki ऐसे जो हत्या के कोटि में नहीं आता हो, किसी से अपराध जानबूझ कर न किया गया हो, तो 105 का सेक्शन है, आज को पहले ये आपका 304, सपोज एक दो एग्जाम्पल देते हैं, 304 जैसे कि ये कोई बिल्डिंग बन रहा हो, कोई व्यक्ति काम करता हो, ऊपर से गिर करके पेड़ से गिर जाता है ये, या बहुत है इंटेंशन उसका नहीं है, कोई कुल्हाड़ी फेंकता है या कोई ऐसा काम करता है, अचानक उसका इंटेंशन नहीं होगा लेकिन उसके एक्ट से उसकी जो मौत हो जाती है, वैसे वैसे कानूनों में FIR जो होगा वो FIR 105 भारतीय न्याय संहिता में होगा। पुराने IPC ओल्ड में चलते हैं तो 304 में ये आपको IPC में पहले मुकदमा दर्ज होता है, अभी भी यानी 304 का कंपेरेटिव है 105 भारतीय न्याय संहिता 2023। अब चलते हैं कि सीधा 106 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझना आवश्यक होगा, ये 106 हम चलते हैं इसके आगे। हम चाहेंगे कि शॉर्ट में अगर किसको अगर किसी तरह समझ ना आवे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, हम आपके जवाब देने के लिए विस्तृत रूप से हम आपको तैयार हैं जवाब देने के लिए। अब आइए हम नया सेक्शन 106 पर ले आते हैं। यही अगर ओल्ड हम IPC में अगर चलते हैं आपका सरलतम समझाने के लिए, अगर तुलनात्मक करते हैं तो 106 का जो ये तुलनात्मक करते हैं तो ये आगे 304A यानी ये आएगा 304, ये आपको हो गया ए, ये ओल्ड IPC और 106 नेक्स्ट सेक्शन में पुराना सेक्शन, ये जो सेक्शन 304 में आप देखते होंगे कि आपको अचानक जो घटनाएं हो जाती हैं, मारने का नियत ना हो लेकिन उसकी मौत हो जाती है, समूह द्वारा भी नियत नहीं है लेकिन उसकी मौत हो जाती है, तो वैसे जो पहले 304A में जो केस होता 304(1) में केस होता था, अब नए धारा अब सेक्शन ये 105 में ये नए कानून के तहत ये केस दर्ज होगा। यानी कि आखिर समझाना चाहेंगे कि आखिर व्हाट इज द 106, आखिर ये उपेक्षा कौन सी उपेक्षा द्वारा ये मृत्यु कारित होता है, जो कोई उतावले में उतावले मैंने जोश खो करके या अपेक्षापूर्ण की ऐसे कार्य किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानवबाधिक कोटि में नहीं है। तो सपोज मान लीजिए कि आप जा रहे हैं बहुत तेज गाड़ी लेके जा रहे हैं, किसी को धक्का मार देते हैं आप, या एक्सीडेंट धक्का जान के नहीं हो लेकिन उसकी मृत्यु कारित हो जाता है, जो
या दोनों में किसी कारावास इसकी अवधि इसके 5 साल इसका रखा गया है 5 ईयर्स, और जो 5 साल के रखा गया है और दंडित किया जाएगा ऐसे किसी दृष्टिगत अगर चिकित्सक द्वारा, जब ये चिकित्सक हो रहा तो इसमें दोनों में किसी भांति की सजा 2 वर्ष। अब थोड़ा सा समझाने से कानून ने एक जगह छूट दिया यहाँ पर कि 106 में पहले मिटा देते हैं तो समझ जाएंगे आप। वेरी वेरी इंटरेस्टेड आज का वीडियो मेरा बहुत इंटरेस्टेड है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, एंजॉय कीजिए मेरे साथ कानून के जानकारी के लिए। हमने जो बताया 106 इसका 2 पार्ट है, इसको एक पार्ट कर सकते हैं कि आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करता है, इलाज क्रम में उसकी डेथ हो जाती है, हंगामा होता है, स्पेशली ये सेक्शन नया कानून ने बनाया है 106(2) पर कि ऐसे चिकित्सक पर जो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हत्या कर दिया, नहीं वैसे उनके लापरवाही कर सकते हैं, स्पेशल फॉर द मेडिकल डॉक्टर के लिए सेक्शन बना है, ये केवल अगर होगा तो 106(2) में उन पर FIR होगा और उनका सजाए कितना होगा 2 ईयर्स का होगा। इसमें सजाए है अधिक है 106 पर और डॉक्टर के सजाए रखा गया 2 ईयर्स, यानी यहाँ तक समझ गए होंगे कि हम थोड़ा सा कि हम इंग्लिश में इसको बताएंगे तो और आप क्लियर समझ जाएंगे। द कॉजिंग डेथ बाय द नेग्लिजेंस, हिंदी में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, हूएवर द कॉज डेथ ऑफ द एनी पर्सन बाय द डूइंग एनी द रैश एंड नेग्लिजेंट आर नॉट द अमाउंटिंग टू द कल्पेबल द होमिसाइड शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट आइदर द डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म द विच मे एक्सटेंड टू द 5 ईयर्स and shall also be the liable to the fine, and if such act is done by the registered medical practitioner, either the doctor, you can say here, so while the performing the medical the procedure, he shall be the punishment with the imprisonment of the either the description of the term which may extend to 2 years, and shall also be the liable to fine. Yani ki isme jo इसमें जो उपेक्षा नेग्लिजेंसी में जो अगर रैश करके किसी की डेथ होता है इसमें 5 ईयर्स है, यह समझना चीज होगा, और इसमें डॉक्टर के द्वारा होता है तो ये होगा 2 ईयर्स का। हमको लगता है कि आप तो यहाँ तक बिल्कुल आप 106 तक आप क्लियर समझ गए होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि ये हम इस चैप्टर को हम यहीं तक इसको बताना उचित इसलिए समझेंगे कि अगर आप एक एक चीज को समझते हैं तो बेहतर होगा। आज का वीडियो केवल हम यही ब्लॉक रोकते हैं 100 से 106। हर व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति का प्रतिदिन जो भी अपराध होता है सबसे इम्पोर्टेंट समाज के भीतर हत्या, हत्या के कोटि ऐसी हत्या जिसमें कोई नियत ना हो, उतावलेपन में हो, ऐसा हत्या जिसको लोगों के द्वारा मिल करके मार दिया जाए तो मॉब लिंचिंग, ऐसी हत्या ऐसा कार्य उतावलेपन में जिसको मेडिकल डॉक्टर के द्वारा भी हॉस्पिटल में हो जाता है, ये आज हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ाया। चैप्टर 7 का जो पुराने सेक्शन को हमने तुलनात्मक करते हुए हत्या की कैटेगरी से हमने जो बताया, हम चाहेंगे कि उसको शॉर्ट वे में अगर हम रिपीट कर देते हैं आज का जो मैंने क्लासेज में अपने जो हमने वीडियो बनाया आपके सामने, ये है जो पुराना सेक्शन 299, नया सेक्शन 100, पुराना सेक्शन 300, नया सेक्शन 100(1) हत्या, पुराना सेक्शन IPC का 301, नया सेक्शन हमने बताया आपको 102, हमने बताया पुराना सेक्शन 302 में जो दंड है हत्या का, हमने इसके 2 पार्ट करके बताया कि 103(1), और इसका बताया हमने इसका 2 पार्ट भी बताया हमने 103 का, हमने बताया कि पुराना सेक्शन 303 जो नया सेक्शन है 104 जो आजीवन ऐसे दोष जो हत्या द्वारा जो कन्विक्टेड लोगों के द्वारा बताया,
पुराना सेक्शन है 304 आईपीसी कन्वर्ट कर गया नया सेक्शन में 105 हत्या कोटि में नहीं आने वाले का दंड। हमने आपको बताया 304 है पुराने आईपीसी का, उसका तुलनात्मक कंपेरेटिव करते 106 उपेक्षा द्वारा कोई लापरवाही से ऐसी कोई घटना हो। ये हमने आज कोशिश किया कि हमने आपको बताया आज केवल ये ऐसे जो इस कैटेगरी में हमने दो का कोशिश किया बताने के लिए जो आम होता है, लेकिन आज के वीडियो से आप इतना जरूर आप सीखेंगे कि कम से कम मॉब लिंचिंग जो लोग कर देते हैं किसी कारण लिंग भेद धर्म कुछ भी लेकर और वो मिल करके जो आप घटना करते हैं उसकी मौत हो जाती है, उसमें एक एक व्यक्ति जो लाइजबल होंगे पुलिस जिस पर एफआईआर करेगी और उस पर जो चार्जशीट करेगी एक एक व्यक्तियों को जो शामिल होंगे सभी को एक समानता इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान कर दिया गया है। हम अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कोई भी कानून अपने हाथ में अब नहीं ले, नया कानून लागू होने पर कहीं बचने की गुंजाइश नहीं है। हर क्यों होगी सजा तो क्यों ना हो जाए सतर्क, लोग स्मार्ट चैनल के वीडियो देख करके यानी आज का क्लासेस आपके बीच डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद ने आज के हमने बताने का प्रयास किया। ये 146 लंबा चैप्टर है लेकिन हमने पार्ट पार्ट करके हमने थोड़ा आज से हत्या पर ले चले और जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट के बारे में दोनों पुराने आईपीसी का मैंने तुलनात्मक मैंने कंपेरेटिव किया। हमने ये भी बताया कि सभी केसेस सेशन कोर्ट से गाइड होता है, कुछ सेक्शन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी देखते हैं, बाकी सेक्शन इसके बाद जो बालकों से रिलेटेड है इसी हेड में फिर मिलेंगे आपका अगले वीडियो पर। जय हिंद।